अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ जमील अहमद और आप देख रहे हैं वाना टू ऑल राउंडर। दोस्तों आज मेरे पास एक बाइक है, चाइना का मोटरसाइकिल है, पर उसके ऊपर बहुत ज्यादा जंग लगा हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपना जंग अगर रिमूव करना हो, खत्म करना हो, किस तरीके से करेंगे। और मोटरसाइकिल देखने में बहुत प्यारा लगता है और इस पर इतना खर्चा भी नहीं आपका आएगा, बहुत कम होने के बराबर खर्चा आएगा। और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होंगी जो कि आप घर में भी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं मोटरसाइकिल की तरफ। अगर दोस्तों अगर आप जंग बिल्कुल साफ हो जाता है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको मजीद इस तरह की अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों आप मेरी माशाल्लाह से बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, माशाल्लाह मेरे 2 महीनों के अंदर 6,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, 1,00,000 सब्सक्राइबर मैंने इंशाल्लाह 7 महीने में करने हैं। तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। चलते हैं दोस्तों मोटरसाइकिल की तरफ। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके ये मोटर गार्ड के ऊपर आपको जंग नज़र आ रहा है, कितना ज़्यादा लगा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इसकी चैन कवर के ऊपर आपको नज़र आएगा, ये शॉक के ऊपर आपको जंग नज़र आ रहा है, ठीक है। थोड़ा करीब करता हूँ मैं, ये देखिए ज़रा, ठीक है, ये सारा जंग आपको नज़र आ रहा है। उसके अलावा इसके रिम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जंग है, ठीक है, ये रिम के ऊपर भी हमारा जंग लगा हुआ है जो कि बहुत ही मतलब बुरा लगता है। तो साफ़ करने का दोस्तों तरीका कार बहुत ही आसान हो गया, देखें ज़रा, फिर यहाँ पर देखें, इस तरह से भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि फिर जब मैं इसको साफ़ करूँगा तो आपको नज़र आ जाएगा वाकई हमारा साफ़ हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ठीक है, ये सारा हमारा जंग है। तो इधर भी शाख के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये मोटर गार्ड तो बहुत ही ज़्यादा इसका गंदा हुआ हुआ है। तो अभी इसको साफ़ करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, बहुत ही आसान है। तो इसके लिए दोस्तों में ज़रूरत क्या चीज़ पड़ेगी ये मैं आपको बता देता हूँ, और इसका रिजल्ट भी आपके सामने ही होगा, ठीक है। चनकवर भी आप देख लें, ऊपर जंग आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल मतलब है कि चमक जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों साफ़ करने के लिए आपको ये आपको देखेंगे आपको नज़र आ रहा होगा, ये लेमन मैक्स आपको होता है, ये लेमन मैक्स होता है, ये हम अक्सर जो बर्तन धोते हैं उसके लिए हमारा ये मतलब इसके बर्तन हम साफ़ करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास एक स्कॉच ब्राइट है, स्कॉच ब्राइट भी आपने ले लेना है, ठीक है। तो आपने इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, यहाँ पे दोस्तों आपने पहले पानी थोड़ा सा लगा देना है, इस तरीके से इसके ऊपर पानी डालना है आपने, ठीक है। दोस्तों पानी मैंने डाल दिया है, तो अब हम इसको करेंगे यहाँ पे ना स्कॉच ब्राइट के साथ थोड़ा सा यहाँ पे लगाएंगे ऐसे करके, ये ठीक है, ये हमने लगा दी इस तरीके से। अब हमने इसको यहाँ पे ऊपर इसके ऊपर लगाना है मोटर गार्ड वाली जगह पे, और देखिए किस तरीके से साफ़ होगा, बहुत ही ज़बरदस्त साफ़ होता है। ये देखें ज़रा, ये भी अभी गंदा ना यहाँ से, अभी देखना ये लगाया है, इसको आपने ऊपर रगड़ना थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है जी, ये मैंने इसके ऊपर मार दिया, अभी मैं इसके ऊपर पानी दोबारा गिराता हूँ, आपको चेक करा देता हूँ कि रिजल्ट कैसा है, ये देखें। ये आप देख सकते हैं कि इस टाइम ना यहाँ पे जो इसके छोटा छोटा जंग लगा हुआ था, इस जगह पे जो लगा हुआ था छोटा छोटा भी बन रहा था, वो हमारा बिल्कुल साफ़ हो गया है। और ये जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है ना दोस्तों, बिल्कुल गाढ़ा वाला साफ़ नहीं होता, बहरहाल ये कि थोड़ा सा कम हो जाता है, बहरहाल ये कि आपको देखने में ना बड़ा प्यारा लगेगा। अभी देखिए यहाँ से, यहाँ पर पहले देखा था कितना ज़्यादा जंग लगा हुआ था, यहाँ साफ़ हो गया, जो गाढ़ा होगा वो हमारा इतना साफ़ नहीं होता, इतना क्लियर नहीं होता कि बिल्कुल आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। बहरहाल ये कि बहुत इससे मतलब है कि साफ़ हो जाता है। अभी रिम वैसे मैं आपको चेक करा, तो बाकी मैंने सारे इस मोटरसाइकिल को अच्छे तरीके से धोना है, तो इसी तरीके से आपने लेमन मैक्स सब धोना है और साथ स्कॉच ब्राइट आपने इस्तेमाल करना है, तो आपका बहुत ही ज़बरदस्त मतलब है कि ये जंग साफ़ होगा। दोस्तों बात इस तरह की है कुछ कि दोस्तों मैं बाइक सही कर रहा था, उसका जंग उतार रहा था, ठीक है, तो आपने लेमन मैक्स के साथ ही धोना है, साथ आपने स्कॉच ब्राइट इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों जितना मैंने काम किया इतनी देर में, मेरे अब्बू आए हैं, कहते हैं यार मुझे बाइक चाहिए, मैंने जाना है एक मीटिंग पर जाना है, तो उस सिलसिले में हमारा बाइक तो चला गया, जैसे ही वापस आएगा तो मैं इसी तरीके से दूंगा। वीडियो को यहीं पे आराम करते हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मजीद इस तरह की अपडेट्स मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।